और इस बीच ग्वालियर से खबर, जहां पर कमलनाथ को लेकर कांग्रेस विधायक का बयान आया। कमलनाथ जी बीजेपी के शिकंजे में डरे हुए हैं, ये बात कही है सतीश सिकरवार ने। कुछ लोगों का काम होता है प्रोफाइल बदलना। बीजेपी पर विधायक सतीश सिकरवार ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ईडी सीबीआई का सहारा लेकर नेताओं को धमकाने का काम कर रही है बीजेपी, पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी, इसका जवाब जनता देगी और ऐसी हलचल है तो बहुत है, आगे सुनाई भी देती रहेगी। और इस बीच यहां पर शोभा सिकरवार ने भी कहा, हम अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। तो कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की अटकलों पर बयान दिया है कांग्रेस विधायक ने, और साथ ही यहां पर तमाम बातें कहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा, लेकर ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर हमारे नेताओं को खरीदने का, उनको डराने का, धमकाने का काम कर रही है, पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। पता नहीं किस कारण नाराज है, मेरे को तो लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में कुछ ना कुछ कारण लगे हुए। चर्चा नहीं हुई नवीन, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, कोई कांग्रेस से भगवान है। तो बहुत हलचल है, अभी आपको आगे सुनाई देने को मिलेगी, लेकिन हम अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं, पार्टी के लिए ही काम करेंगे। नाम तो किसी का भी चल सकता है, लेकिन जब जो पार्टी जो जाएगा बीजेपी में, उसका नाम आपके सामने आएगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी में रहकर ही पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ।